नमस्कार मित्रों, बीके गाइड चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी कभी कभी कुछ डाटा पर काम करना पड़ता होगा और ज़रूरत पड़ता होगा कि कुछ रो को हाइड कर दें, और जब ऐसे जब हाइड करते हैं आप, जैसे ये दो रो को हाइड किया, तो ये देखिए ये क्या हुआ, मेरा सीरियल नंबर यहाँ 5 है, यहाँ 9 हो गया, और ये सम भी इस पूरे जो पहले था वही है। तो बड़ा छोटा डाटा हो, फिर से ये सीरियल नंबर हमें चेंज करना पड़ता है, और वो नहीं तो हाइड वाले को डिलीट करना पड़ता है। लेकिन कितना अच्छा होता कि अगर ये हम लोग हाइड करें, इसके बावजूद सीरियल नंबर अपने आप एडजस्ट हो जाए और सम भी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो उसी वैल्यू का सिर्फ सम हमारे पास आए। जैसे कि देखिए कुछ इस तरह से इसको हम हाइड किए, ये देखिए सीरियल नंबर मेरा यहाँ हाइड है, 5 के बाद 8 है, लेकिन यहाँ सीरियल नंबर 3, 4 और यह सम भी उसी के अनुसार बदल गया। फिर अनहाइड जब हम करते हैं तो फिर सीरियल नंबर अपने आप एडजस्ट हो जाता है और यह सम भी अपने आप एडजस्ट हो जाता है। तो ये कैसे कर सकते हैं, अगर ये हो तो कितना अच्छा हो। देखिए इसको करने के लिए हम आपको बताते हैं, फिर पहले वाले पर हम लोग चले जाते हैं जहां जैसे ये है, इसको हम पहले अनहाइड कर देते हैं। हाँ ये मेरा अनहाइड हो गया। अब इसमें हम फार्मूला डालते हैं। देखिए सीरियल नंबर में हम क्या फार्मूला डालते हैं, सीरियल में नंबर में हम फार्मूला डालते हैं इक्वल टू सब टोटल, सब टोटल। इसके बाद ये आप चले आइए नीचे 103 पर, काउंट ए, इसमें फंक्शन नंबर हो गया। अब रेफरेंस में हम डालेंगे M6 को हम लॉक कर देते हैं, और फिर से M6 और इसको बंद करके इंटर करते हैं। अब इसको हम कॉपी कर देते हैं। ये कॉपी करने के लिए यहाँ डबल क्लिक किए तो हो गया कॉपी। देखिए सब में फार्मूला मेरा आ गया। इसी तरह से ये सम में भी सब टोटल का डालते हैं, फिर से सब टोटल। अब ये फंक्शन नंबर में हम लोग डालते हैं, देखिए नीचे 100 के बाद जहाँ आता है 109, और हमें जिसका सम करना है उसको सेलेक्ट करते हैं। ये इससे यहाँ से यहाँ तक हमको सेलेक्ट कर बंद करके इंटर करते हैं। अब देखिए इसको हाइड करके कैसे कमाल होता है। यहाँ 10 और 11 इसको हाइड करते हैं हम, तो जो दिखेगा उसी का रिजल्ट आएगा। जैसे ये हाइड कर दिया, ये देखिए 4 के बाद यहाँ 5 अपने आप हो गया और ये सम भी चेंज कर गया। इस तरह से डाटा अगर बहुत बड़ा हो तो बड़ी आसानी से हम लोग सिर्फ विजिबल सेल्स का सीरियल नंबर और सम निकाल सकते हैं, और मेरा डाटा जो हाइड करेंगे वो भी सुरक्षित रहेगा। जब अनहाइड करेंगे, फिर से अगर आप अनहाइड करेंगे तो वो अनहाइड वाला रिजल्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ अनहाइड है, ये हाइड है, अनहाइड कर देते हैं, ये देखिए फिर से रिजल्ट आ गया। इस तरह से कोई भी सेल को आप हाइड कीजिएगा तो रिजल्ट अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा।
सबसे अच्छा है कि ये सीरियल नंबर चेंज हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो बीके गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।